जो जिंदगी में आपको लगने वाले हैं, जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से रुलाती है, उसके साथ में ही आपका जो पेन है ना वो और जल्दी हील अप होना शुरू हो जाता है। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और इस ब्रेकअप को आप हैंडल नहीं कर पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, किस दिशा में आगे बढ़े, आपको दिख रहा है कि आपकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, उजड़ चुकी है, आपको अपना नेक्स्ट स्टेप समझ नहीं आ रहा कि क्या लेना चाहिए, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है ताकि आप ये समझ पाए कि अब आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, ब्रेकअप वो चीज है ना जो अच्छो अच्छो को तोड़ के रख देती है। ये हैंडल करना किसी के बस की बात नहीं है, बिलीव मी। हो सकता है आप ज्यादा बिखर गए हो, कोई थोड़ा सा कम बिखरे, बट ये ब्रेकअप हर एक इंसान को बिखेर के रख देता है, तोड़ के रख देता है। और ब्रेकअप हर किसी को ऑलमोस्ट सेम पेन देता है। इसको हैंडल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो हो सकता है आप डिप्रेशन में चले जाए, और डिप्रेशन में जाना एक बहुत बड़ी इश्यूज है, उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपने आप को डिप्रेशन से बचाएं, इसके लिए कुछ काम आपको करने जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि ये आपके साथ जो हुआ है ना, ये आपके अकेले के साथ नहीं हुआ, ऐसे हजारों लोग हैं, इनफैक्ट मैं कहूंगी ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में इस गम को फेस किया है, इस गम को फेस करके वो लोग आगे बढ़े हैं। और अगर आपको अपने आसपास लोग खुश दिख रहे हैं, जो आपसे बड़े हैं, जो हैप्पी हैं, जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, तो वो भी इस सेम जगह से होके गुजरे हैं, उस पेन से होके गुजरे हैं। सो अगर वो उस पेन को फील करके आगे बढ़ के अपनी जिंदगी में इतना खुश हो सकते हैं, तो ये क्लियरली साइन है कि एक दिन आप भी उतने ही खुश होंगे, आप भी सब कुछ भूल जाएंगे। ये चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहेगा आपका आगे बढ़ने का, आपकी हिम्मत जो टूट रही है ना, जो आपको लग रहा है कि अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा, वो हिम्मत नहीं टूटेगी। उनको देखकर आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ इसके बाद भी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो जिंदगी बहुत पड़ी है जीने के लिए, और ऐसे बहुत सारे झटके हैं जो जिंदगी में आपको लगने वाले हैं, जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से रुलाती है। सो ये एक छोटा सा गम है, एक बहुत छोटा सा टेस्ट है जो जिंदगी ने आपका लिया है। सो ये तो सिर्फ शुरुआत है जनाब, घबराइए मत, अभी से घबराएंगे तो जिंदगी के बाकी टेस्ट को कैसे पास करेंगे। अब आती है कि ठीक है यार, इतना तो समझ आ गया, बट व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि अभी तक तो आपने अपना जीवन उसी के साथ देखा था ना, आपने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था, सपने में भी ख्याल नहीं आया था कि वो इंसान आपको छोड़ सकता है, आपने पूरा जीवन उसके साथ इमेजिन कर लिया था, अपने बच्चे, बच्चों की शादी, बच्चों के नाम तक आपके दिमाग में थे, और सडन आपकी पूरी दुनिया यू नो खत्म हो गई। ऐसे में ना ये समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो ये कि अपने दोस्तों के साथ में ये ब्रेकअप को शेयर कीजिए। बिलीव मी, इस वक्त ना ब्रेकअप में हील होने के लिए दोस्तों की बहुत जरूरत होती है। वो दोस्त ही होते हैं जो आपको समझा पाते हैं, आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दे पाते हैं, उस बुरे वक्त में आपको ये एहसास करवाते हैं कि वो है, घबराना नहीं, हम हमेशा यहाँ पर हैं। तो इस ब्रेकअप से हील होने में बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी आपके दोस्तों की, और अगर आपके कोई दोस्त नहीं है तो उसके किसी की हेल्प लीजिए जो आपके लिए दोस्त जैसा हो। वो आपकी बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, फैमिली का कोई अदर मेंबर, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई भी जो आपको समझता हो, जो आपसे थोड़ा ज्यादा मैच्योर हो, जिसके बारे में आपको पता हो कि यार ये समझता है, ये अच्छे एडवाइस देगा, आप उसके साथ शेयर कीजिए। चाहे उसकी एडवाइस काम ना आए, बट उसकी कंपनी बहुत काम आएगी आपको। तो इस ब्रेकअप में अपनों को अपना साथी बनाइए, अकेले ही इसमें गोते खाने की जरूरत नहीं है आपको। जब आप किसी का सपोर्ट लेंगे
तो ये जो टाइम है ना पेनफुल, इसका पेन थोड़ा सा कम हो जाएगा, इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, आप झेलने की कंडीशन में हो पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक दो लोगों को इस ब्रेकअप में अपना साथी बनाएं, अपने गम का साथी बनाएं। थोड़ा सा जब वक्त निकलेगा ना, जब आपके दोस्त होंगे, आपके आसपास लोग होंगे आपको समझाने के लिए, रोना आएगा, तड़पोगे, परेशान होगे, रात में तो आपको चैन नहीं आने वाला, आपकी रात काटना सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बट इसके बावजूद एक दो महीनों में आप धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाएंगे, आपको महसूस होने लगेगा कि आप पहले जितना परेशान नहीं है, पहले जितना दुखी नहीं है, अब थोड़ा सा हील हो गए। बट हमेशा आपको किसी की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आप तैयार रहिए, किसी को तैयार करिए। जब थोड़ा सा आप हील हो जाए ना, उसके बाद आप ये समझिए कि अब क्या, क्या आप वर्किंग हैं? अगर आप वर्किंग हैं तो ठीक है, बट अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो वर्किंग कैसे होना है और क्या करना है कमाने के बारे में सोचिए। अगर आप सेटल डाउन हैं, कमाते हैं, तो अब आप ये देखिए कि अब क्या मुझे शादी करनी है। अगर आपके शादी की है तो आप शादी के लिए लड़कियां देखना शुरू कर दीजिए, लड़के देखना शुरू कर दीजिए। वेट, मैं एक दो महीने में किसी के साथ शादी करने की बात नहीं कर रही। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपकी शादी की उम्र है तो आप लड़का देखना शुरू करें, लड़की देखना शुरू करें, क्योंकि ये प्रोसीजर होता है ना, इसमें ही बहुत लंबा टाइम लग जाता है। एक दो साल तो आप देखते ही रह जाते हैं, पार्टनर पसंद भी नहीं आता। तो जब आप ऐसा करेंगे ना, थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि यू नेवर नो कि क्या पता कोई इंसान आपका वेट कर रहा हो। तो उसके बाद कोशिश करें कि आप शादी के बारे में सोचें। मीन टू से मेनी टाइम क्या होता है, लोग एक ब्रेकअप से निकलते हैं, फिर दूसरे के साथ वो रिश्ते में आना चाहते हैं। ये मत कीजिएगा, अफेयर शुरू मत कीजिए अगर आपकी एज 26 प्लस है तो, क्योंकि समवेयर टाइम पर ज्यादातर लोग शादी के बारे में सोचते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका पार्टनर होना चाहिए ना, मेक श्योर कि वो आपका हस्बैंड या वाइफ ही हो। इस एज में आप दोबारा किसी के साथ रिश्ते में पड़ेंगे तो जल्दी से प्यार होगा नहीं, जो अगर आप प्यार करेंगे तो वो मजबूरी वाला प्यार होगा और वो रिश्ता चल नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि शादी के लिए सोचिए ना कि अफेयर के लिए। बट अगर आपकी एज 25 या इससे कम है तो अभी आप पे टाइम है, थोड़ा सा पहले अपने करियर को टाइम दीजिए। जब आप अपने करियर पर फोकस करते हैं, जब आप उस चीज के बारे में सोचते हैं जो आपको पैसा देगी, जो आपको नाम देगी, जो आपको रुतबा देगी ना, तो सच में एक अलग तरीके का मोटिवेशन मिलता है। अपने करियर को कभी भी साइड नहीं करना चाहिए। जो आई बिलीव आपने किया होगा अपने पहले रिलेशनशिप में, इस ब्रेकअप के बाद आपकी जो मेन प्रायोरिटी होना चाहिए ना, वो होना चाहिए आपका करियर। कि करियर बनाओ, अगर बना हुआ है तो उसको बेटर बनाओ, क्योंकि कभी भी आप उस जगह पे नहीं हो सकते जहां आप कहते कि यार ये मैं टॉप पर हूं, इससे ऊपर जाने की अब गुंजाइश ही नहीं है, इससे ज्यादा ऊपर कुछ जगह है ही नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होता, किसी करियर में नहीं होता। जिंदगी में ऊंचा बढ़ने की, ऊंचा होने की, अपना करियर को ऊंचा उठाने की पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, हर स्टेज पर होती है। आई एम श्योर आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी करियर में हो, किसी भी जॉब में हो, किसी भी बिजनेस में हो, अभी बहुत कुछ ऐसा दिखता होगा जो आप कर सकते हैं, जहां पर आप पहुंच सकते हैं। वो जो गोल है ना, उसे सेट करना बहुत जरूरी है, और अपना जितना भी पेन है, जितना भी दर्द है ना, अपने उस गोल को अचीव करने पर लगा दीजिए। एक बार आपने अपने आप को झोंक दिया अपने करियर में उस ब्रेकअप के बाद, तो ब्रेकअप आपको ना समवेयर किक देता है, आपको मोटिवेट करता है, वो दुख आपको आगे बढ़ने की हिम्मत भी देता है। और जब आप करियर में थोड़ा ऊपर उठते हैं, थोड़ा बेटर करते हैं, उसके साथ में ही आपका जो पेन है ना, वो और जल्दी हील अप होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप करियर में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप उस दुख को भूलते जाएंगे, और उसके साथ में ही आपको बहुत सारे रास्ते अपने आप ही दिखेंगे आगे बढ़ने के। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है कि ब्रेकअप
एक ऐसा है कि आप एक गली में आके स्टक हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्योंकि सारे रास्ते ब्लॉक है। हिम्मत करके आप आगे बढ़ेंगे ना, थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी गलियां, बहुत सारे रोड कनेक्टिविटी दिखाई देने लगेगी। फिर आपके दिमाग के तार खुलेंगे, यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ भी जा सकता हूँ। अपने आप ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखने लग जाएंगी। अभी तक नहीं दिख रही है क्योंकि आप उस गली से बाहर नहीं निकले, उस ब्रेकअप से थोड़ा सा बाहर नहीं आए, उस गम को ओवरकम नहीं किया। तो थोड़ा सा अपने ऊपर मेहनत करके ना हिम्मत कीजिए आगे बढ़ने की, अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। अभी कुछ नहीं दिखने वाला जहां पर आप खड़े हैं, अगर खड़े रहेंगे तो खड़े रह जाएंगे। सो ब्रेकअप के बाद सबसे पहले तो आपको अपने आप को थोड़ा टाइम देना है, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है, उसकी हेल्प से आगे बढ़ना है और फिर सारी मेहनत सारा दुख झोंक देना है अपने करियर में। बट इन सब के बाद जब आप हील अप हो जाएं, करियर आगे बढ़ जाए, तो एक बार ये जरूर सोचें कि वो ब्रेकअप आखिर हुआ क्यों था। क्योंकि उस ब्रेकअप में ना 100% उसकी गलती नहीं होगी और 100% आपकी गलती नहीं होगी, और पूरी तरीके से आप सही नहीं हो सकते और पूरी तरीके से वो भी सही नहीं होगी। इसमें क्या होगा, उस ब्रेकअप का रीजन होगा थोड़ी सी आपकी गलती, थोड़ी सी उसकी गलती, थोड़ी ज्यादा गलती आपकी हो सकती है या फिर थोड़ी ज्यादा गलती उसकी हो सकती है। जब आप ठीक होने के बाद, उस ब्रेकअप से उबरने के बाद, थोड़ा जीवन में आगे बढ़ने के बाद उस ब्रेकअप के बारे में सोचेंगे ना, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि आपकी गलती कितनी थी और उसकी कितनी थी। जो उसकी गलती हुई उस पर फोकस नहीं करना है, बट जो आपने गलतियां की थी उस रिश्ते में ना, उनसे सीखना बहुत जरूरी है। जो भी आपकी गलतियां थी उनको अपने अंदर इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक ठोकर से आप संभलना नहीं सीखते, सही से चलना नहीं सीखते ना, तो आपको वो ठोकर बार बार लगेगी, आप पूरी जिंदगी गिरते ही रहेंगे। अगर आप उस ब्रेकअप से सीख नहीं लेंगे, अपनी गलतियां नहीं समझेंगे, तो बिलीव मी आप जितनी बार भी किसी के साथ रिश्ते में आएंगे उतनी बार आपका ब्रेकअप होगा, क्योंकि जो आपकी कमी है ना वो आपने सुधारी नहीं है। तो अपने ऊपर मेहनत करके अपनी गलतियों को पहचान के उसको सुधारना बहुत जरूरी है, उस ब्रेकअप से सीख लेना बहुत जरूरी है। जो ठोकर लगी है उसको समझना जरूरी है कि क्यों लगी और क्या गलतियां आपको आगे नहीं करनी है। आपको उस ब्रेकअप के बाद एक अच्छा इंसान बनके उभरना है। वो तभी उभर पाएंगे जब अपनी गलतियों को आप समझ पाएंगे। कुछ लोग इस माइंडसेट में होते हैं कि जी मेरी बिल्कुल गलती नहीं थी। अगर आप इस माइंडसेट पे रहेंगे ना, तो आप अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपका होगा। तो ब्रेकअप के बाद अपनी गलतियों को समझ के उनको सुधारना जरूरी है, ताकि एज अ पर्सन आप इम्प्रूव कर पाए, एक बेहतर इंसान बन पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि गलती सुधार के आप उसके पीछे वापस भागे, ये नहीं करना है, लेकिन गलतियों को सुधार के अपने आप को इम्प्रूव करना है, ये बहुत जरूरी है। ये कुछ काम आपको जरूर करने चाहिए ब्रेकअप के बाद, और हर किसी के लिए करना जरूरी है। सो आफ्टर ब्रेकअप आप बदला बदला सोचिए, उसको तड़पाना कैसे है, रुलाना कैसे है, वापिस कैसे पाना है, इस पर फोकस करें। इससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप इन बातों पर, इस वीडियो पर फोकस करें। बट स्टिल आपका माइंडसेट ऐसा है कि जी हमें कुछ नहीं करना, हमें तो उसको तड़पाना है, तो इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगी, आप वो वीडियो देखें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ है, तो ये रीजन भी मैंने बता रखे हैं एक वीडियो में, वो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगी, वो वीडियो आप देखें। आपको इस ब्रेकअप की कहानी, रीजन, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे तड़पाना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके एक्स के बारे में। लास्ट में डिसीजन आपका है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी आपकी है। जो भी करें सोच समझ के करें, बस अपने आप को खुश रखें, हेल्दी रहें, खुशहाल रहें, अपनों को खुश रखें। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी। नमस्ते दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।